यार बड़ी बात है। नहीं और बाप भी थी यार, ये देखो ये रोटी में सिक्के भी लगे हुए हैं, बस इसका क्या वो है लॉजिक। बड़ा खतरनाक मुकाबला लगा हुआ है 1918 का, तो भाई एक पॉइंट की गेम है सारी, देखते हैं कि क्या होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर बॉय ज़ेनू एंड आई एम अगेन हियर विद अ न्यू वीडियो। तो यार भाई साहब बड़े टाइम के बाद आ रहा है भाई यूनिवर्सिटी का व्लॉग, काफ़ी टाइम स्किप करना पड़ा यार, कुछ मसरूफियात मामलात लगे हुए थे, तो है आप भी आ गए हो दोबारा, आपका प्यार आपकी मोहब्बत। अच्छा यार सीन ये है कि भाई आज अगर यूनिवर्सिटी में जो है वो स्पोर्ट्स वीक हो रहा है, तो मैंने कहा कि क्यों ना आपको भी दिखा दिया जाए कि भाई हज़ारा यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स वीक कैसा होता है, क्या अमेजिंग यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, गेम्स होती हैं, फूड स्टॉल्स होते हैं, बहुत ही मस्त किस्म का माहौल बैकग्राउंड पर बना हुआ है, बड़ा ऊँचा ऊँचा म्यूज़िक लगा हुआ था, तो मैं ज़रा वहाँ से निकल के इधर आया हूँ। यार यकीन करो बहुत प्यारा माहौल है, और यह है कि फ़ुटबॉल का ग्राउंड, क्रिकेट का ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट्स जो हैं वो सजे हुए हैं, और इंटर डिपार्टमेंटल कम्पटिशन्स हो रहे हैं, तो भाई कुछ दोस्त हैं उनको भी ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद आपको सारा विजिट भी करवाते हैं, आपको गेम्स भी दिखाते हैं, आपको बाकी मामलात भी बताते हैं कि यहाँ पे स्पोर्ट्स वीक कैसा होता है। तो स्टे इन द व्लॉग, लेट्स गो। तो भाई साहब ये मामलात जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये लेटा हुआ पोस्टर आपको बता रहा है कि यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एंड ये जो है यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, आप इनको देख सकते हो, और नाइस यार, यहाँ तो बड़ी आवाम शवाम आई हुई है, बड़ा हैवी माहौल बना हुआ है। वही सो आप स्टॉल्स को करते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर। मेरे बैग पे जो सबसे पहला स्टॉल लगा है, जहर है यार, चैरिटी बिगिंस एट होम, सॉरी मतलब मजाक कह रहा हूँ, जो स्टार्ट होना चाहिए वो अपने लोगों से होना चाहिए। तो मेरे क्लासमेट्स हैं जिन्होंने गोलगप्पे और मिंट मार्गरिटा का स्टॉल लगाया हुआ है, मैं आपको पहला स्टॉल दिखाता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? बस ठीक है यार। ये जो है हमारी क्लास का स्टॉल लगा हुआ है, और ये माशाल्लाह से इतनी एक्सपर्ट हो गई है कि देखो ये कैसे डाल कैसे रही है चटनी। दो दिन बाद ऐसे ही होते हैं। कैसा जा रहा है आपका स्टॉल? हमारा स्टॉल बहुत अच्छा जा रहा है, तकरीबन खत्म हो गया है सब कुछ। रिव्यूज क्या है लोगों के, क्या कह रहे हैं, कैसे गोलगप्पे हैं? बस ये तो आप लोग ही बताएंगे, जो खाएंगे लोग ही बताएंगे, किसी को खिलाओ फ्री में तो तब बताएगा, पैसे लेके कोई नहीं बताता। यार ये कश्माला है, कश्माला गई हुई थी, कहाँ गई हुई थी कश्माला? USA सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम, सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम, और ये भी वापस आई है देखो माशाल्लाह से। वापस आई हूँ गर्मी में। How was your experience? Awesome. अच्छा था? Yeah. गोलगप्पे कैसे इनके? बहुत अच्छे, मेरे गोलगप्पे हैं, इनके क्या मतलब? इनके मतलब आपके ही ना, घर की बात है, घर की बात है। और वहाँ पे यार इनका मिंट मार्गरिटा बन रहा है, और रिव्यूज अब आप जाहिर है खा के देंगे, फिर अब ये खिला दें तो ब्लॉगर होने का फायदा, फ्री में गोलगप्पे मिल रहे हैं। थैंक यू यार, प्रेजेंटेशन माशाल्लाह से इनकी अच्छी है, दो दिन में एक्सपर्ट हो गया यार, बड़ी बात है। नहीं अभी इनका जो गोलगप्पे हैं वो टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या सीन है इसका। ओए भाई ये तो टूट गया, ये खाने की जो टेक्निक है वो लड़कियों को ही आती है। आपके लिए मेंट बना है, मेरे लिए क्या बात है, माशा अल्लाह क्या बना है यहाँ सर, दोनों बनाए। ये हमारे सर साकिब भी आ गए माशाल्लाह से। सर साकिब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सर इनके गोलगप्पे खाएं, जरा रिव्यू भी दें। ये किया है सर, ऑनेस्ट अभी चबाएं तो सही सर, उसके बाद रिव्यू देना। अब बताएं सर कैसा टेस्ट है? अगर फ्री में मिल रहे तो बहुत अच्छा है। फ्री है सर, पैसे लेकिन मैं बहुत गलत। देखो ये क्या कहते हैं, बहुत सर गेंद बताए, बहुत ज्यादा टेस्टी, सबसे अपील है इधर आके खाएं सर, जब तक बोलो गएंगे स्टॉल खत्म हो जाएगा। अच्छा यार तो कश्माला को मैंने बोला कि यार क्यों ना हम लोग थोड़ा सा स्टॉल्स का भी रिव्यू कर लेते हैं, और रुबाब भी थी साथ में, तो जरा से चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं। क्यों कश्माला वैसे ओवरव्यू कैसा लग रहा है ऊपर से देख के? क्या काफी अच्छा लग रहा है अभी तक तो, हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसी चीजें कम होती है ना। हाँ कभी भी नहीं आई गेस, पहली दफा exactly. या आप पहली दफा देख रही हो? मैं शायद पहली दफा, पता नहीं, पर एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा है हमारा यार ये अपना हजारी यूनिवर्सिटी का खुद फर्स्ट टाइम इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है।
फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हो रहा है और यार काफी बड़ा सेटअप इन लोगों ने लगाया हुआ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये साइड्स पे आप लोग देख सकते हो। अच्छा तो यार अभी हम लोग थोड़ा सा राउंड शाउंड मारते हैं, आपको दिखाते हैं भाई स्टॉल्स में क्या सीन्स हो रहे हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आई थिंक ज्वेलरी की कुछ चीजें पड़ी हुई हैं और गजरे आपने यहाँ पे रखे हुए थे, मुझे लगता है कपल सबसे ज्यादा यहाँ पे है ना, सबसे ज्यादा इनके ड्राइंग्स देखने आए थे लेकिन इन्होंने उठा ही दिए। अच्छे अच्छे दो तीन दिखा दो बस, इस वाला ये मुझे देखते देखते गायब हो गई है। अच्छा जी, अच्छा इसमें कुछ भी कर सकते हैं। मैं तभी सोच रहा था ये पत्नी है क्या, या मुझे नहीं समझ आ रही। सर ये इन लोगों का जो है ये आप लोगों ने खुद बनाई है? इस वाले इनमें से कौन सी प्यारी है? ये वाली नहीं, नाइस वागी प्यारी है। इसका आर्टिस्ट कौन है? यार आर्टिस्ट ये सामने मैं आपको दिखा नहीं सकता इनको, लेकिन ये इसकी आर्टिस्ट है। अच्छा यार ये जो है और नेक्स्ट स्टॉल है यहाँ पे क्या चीज़ें, अब ये तो वही बताएंगे बॉस, थोड़ा सा बताएंगे ये क्या है? ये कार्ड्स हैं जी जी, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को, क्रश को, किसको भी गिफ्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज हैं, नेचुरल फ्लावर्स हैं, ड्राई किए हुए हैं। अच्छा 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 जी। अच्छा ये भी हैंडमेड है सारा? सारा है। ग्रेट यार। अच्छा एक स्टॉल ये है भाई, हैंडमेड वर्क हुआ हुआ है सारा माशाल्लाह से, बहुत प्यारी प्यारी यहाँ पे चीजें हैं। मतलब अपने जेज के लिए चीजें इकट्ठी कर रही हो? क्यूट है देखो, प्यार है ना। अच्छा यार कल्चर को प्रेजेंट करी ना। तो ये चीजें भाई ये सारा हैंडमेड, ग्रेट, बचपन में देने वाले गिफ्ट। ये है क्या वैसे? रुबाब के बचपन की फोटो है रुबाब। अच्छा नहीं हम लोग बस थोड़ा रिव्यू कर रहे हैं इसका। ये क्या है वैसे? ये इसके अंदर रहता है? नहीं इसके अंदर रहता नहीं है, ये हमारे पास लकी टॉय है ना। अच्छा ये स्पिरिट में रहता है, वहाँ पे लगने साथ ये। अच्छा ये बेसिकली स्टोन है और इसके ऊपर काम हुआ हुआ है ना, और इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। हमारे पास बहुत सारे थे लेकिन अभी ये थोड़े से रह गए। अच्छा अच्छा अच्छा, अब हम इसको हाफ प्राइस के सेल। इस पे कोई वो शुभ शुभ वाले पीर ने फूका हुआ तो नहीं है? ये कैसे लगी है? ये बस बोला जाता है कि ये लकी है ना। अच्छा बोला जाता है ये लकी है, इसलिए मैंने पसंद किया। अच्छा अच्छा तो यार बाकी भी कुछ कल्चर स्टॉल्स जो हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। मोहब्बत खान का शरबत, ये बफा का मशहूर खोआ लगा हुआ है यहाँ पे, और ये भी यहाँ पे मुझे लगता है बेडशीट्स एंड ऑल दैट है ना। आ जाओ यहाँ पे कुछ कल्चर के स्टॉल्स एंड ऑल दैट लगे हुए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। किसका? बीर का? दीर, दीर, दीर। दीर का? या ये तलवारें शलवारें देख लो भाई, ये दीर का कल्चर है आई थिंक सो। और हुक्का शुक्का भी रखा हुआ है भाई साहब, आप देख सकते हो स्वात का कल्चर जो है यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। रुबाब अंदर बज रहा है, मैं आपको थोड़ी सी रुबाब की झलक दिखा के आता हूँ। यहाँ पे लड़के ज्यादा हैं, आप लोग दो सेकंड के लिए यहीं पे स्टे करो। अच्छा यार अभी ऐसा करते हैं कि ये जो बैक पे स्टॉल्स हैं सारे आई थिंक कल्चरल ही हैं। तो इस वाला कौन सा प्यारा लग रहा है वैसे इन सब में से? मैं खुद पठान हूँ, मैं तो बायस हूँ। हाँ पठान हूँ, मुझे भी लिटरली अभी पता चला है कि ये पठान है। तभी आप पख्तून उजरों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है ना। तो यार वैसे पख्तून उजरे काफी ज्यादा, अब ये आप देख सकते हो ये लगा हुआ है, ये आगे लगा हुआ है, काफी ज्यादा उजरे जो है लोगों ने अरेंज किए हैं। यहाँ पे भी लगा हुआ है वजीरिस्तान उजरा, ये आगे दीर दीर सकाफ्ती स्टॉल ऐसे ही है। और उसके अलावा ये कौन सा है? मट्टी ग्राम कल्चर। मट्टी ग्राम कल्चर क्या? मट्टी के बर्तन
यकीन करो इसमें खाना खाओ यार, तुम लोग सारी सिल्वर पी रहे हो। और ये इनको क्या कहते हैं लोग यार, ये देखो ये रोटी में सिक्के भी लगे हुए हैं, बस इसका क्या वो है लॉजिक जी जी। ये इस तरह ना मतलब तब की रिवायत है हमारे बड़ा ग्राम की, नोट नहीं हुआ करते थे, सिक्के हुआ करते थे। तो ये बहन बेटी जब उसकी शादी हो जाती थी ना जी जी, तो उसको ईद की खुशी पे उसको इसके लिए वो भेजा करते थे, एक उसमें पैसे लगा लेते थे, रोटी पैसे के लगाते थे। लेकिन तब नोट नहीं थे ना, तो सिक्के हुआ करते थे, अभी तो नहीं है ना। अच्छा, खुदा ना खास्ता कश्मालो जिसको भूख लगी हुई हो ये डुबो कैसे का खा जाए। वैसे टेस्ट करते हैं क्या है ये, कश्मालो टेस्ट कर लो आप लोग भी। ये सूजी टाइप ही है, सूजी है। अच्छा टेस्ट भी है। ये क्या है, जूते? चप्पल है। ये तो गुच्ची से भी अगला मॉडल है। नहीं, ये यार माशाल्लाह देखो आप नहीं पहनते पहले यार। वैसे काफी पुरानी चीजें देखे ना, बड़ा एक दिल को सुकून आता है बंदे को। इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, किस्मत खराब है हमारी। लेकिन इसमें अंगारे डालते हैं, ठीक है। जब अंगारे डालते हैं इससे हीट निकलते हैं, तो ये भी गर्म होती है, इसके साथ ये भी गर्म होते हैं। साइडों पे घर वाले, ये हमारी बड़ा ग्राम की ज्यादा आप इसके अंदर भी बैठ सकते हैं, ज्यादा सर्दी लग रही हो यार। बटग्राम कल्चर पसंद आया वाकई में। शबाब क्या अच्छा था सबसे ज्यादा? सिक्कों वाली रोटी, झूठ नहीं बोलना। तुम बीच से पैसे निकालने का सोच रही हो? तुम लोग सोच रहे हो कि डॉलर लगे हुए हो बीच में और वो निकाल ले बस, है ना? चलो थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। ये काबली फ्लावर लगा हुआ है यहाँ पे, और खुश है जेज का सामान। ये नीचे लंडा है, थोड़ा सा लंडा भी लगा हुआ है। उफ यार, फाइनली भाई थक हार के हालात टाइट हो गए हैं। तो अभी हम लोग जो है वो कुछ स्टॉल्स का रिव्यू करके आ चुके हैं। अभी भी जो सीन्स हैं वो पीछे चल रहे हैं। स्पोर्ट्स वीक आपको दिखाना था यार, मैचेस वगैरह के थोड़े से मैं शॉर्ट्स बीच में डाल दूंगा, वो भी आप लोग देख सकते हो। और बाकी मामला भी चल रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना, क्योंकि गर्मी बहुत सख्त है भाई, बहुत हेक्टिक किस्म का मौसम है। अभी भी आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब ना किया, लाइक ना किया, कमेंट करके ना बताया कि आपको व्लॉग कैसा लगा है, तो भाई फिर खफकी बनती है। तो यार पहले तो सब्सक्राइब करो जाके, फिर मैं आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। स्टॉल्स तो भाई साहब वहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो रहे थे, लेकिन अब जाहिर है आपको सिलेक्टेड चीज़ें ही दिखा सकते हैं। उसका जो रीज़न है वो ये है कि भाई अब इतने स्टॉल्स पे तो जाया नहीं जा सकता। छोड़ो सारी बातें साइड पे, आपको अपने लॉ डिपार्टमेंट के स्टॉल्स दिखाता हूँ भाई। ये चार स्टॉल जो है ना, ये हमारे लॉ डिपार्टमेंट के हैं, ये हमारे लॉ डिपार्टमेंट के जो इमाद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है सर। ये माज जो है तो मिड मार्केटा शीटा बना रहा है। हसन कैसे हो? बस काम चल रहा है। थक गए हो? बहुत ज्यादा। अभी तो तुम्हारा जवाब देने का भी दिल नहीं कर रहा होगा। पैसे कमाने में भी आसान काम नहीं, मुश्किल काम है ना यार। माशाल्लाह देखो आज अमीर हुए हुए फिर है। बिजनेसमैन मेहनत करेंगे। तो क्या लगाया हुआ था? मिंट मार्केटा और शरबत, मिंट और लस्सी की और गुड़ का शरबत था। गुड़ का शरबत था प्लीज यार, ये सब सुन लो मेरी हद हो गई है। सब ये आपके जूनियर से नहीं, आप तो आ ही नहीं आएगी बजाते। 50 वाला है, ओए मैं कसम से 50 आ गया जी। ये भाई आपके एक्सरसाइज हो रही है बिफोर अ मैच, उसके बाद जो इनका मैच स्टार्ट होगा। ये नीचे जो भाई का सारा ना यहाँ पे सब्सक्राइब वाला बोलो कहूँगा बटन। हाँ भाई सब क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं, इंटर डिपार्टमेंटल ऑडियंस इज हियर। और ये हमारा मेन पीसीबी ग्राउंड, हाँ, जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही कूल लग रहा है। बहुत ही आके वेरी गुड।
जबरदस्त बड़ा खतरनाक मुकाबला लगा हुआ है 1918 का। तो भाई एक पॉइंट की गेम है सारी, देखते हैं कि क्या। सो फाइनली यार हियर वी गो, इंटर डिपार्टमेंटल बैडमिंटन का पहली गेम जो थी वो लॉ डिपार्टमेंट जीत चुका है। आकिफ वेल प्लेड यार, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी गेम खेली है, आप लोगों की दुआएं थी और फाइनली। और शहजाद क्यों जी, क्या एक्सप्रेशन थे आपके? वो टफ गेम थी, नहीं तीन चार बार जो है तो दोबारा वो इक्वल पे आई, चार दफा इक्वल पे गेम आई है, लेकिन फाइनली जो है शेर ने हिम्मत नहीं हारी। एग्जैक्टली, और जेनू का भी इसमें बड़ा किरदार बड़ा किरदार, हमारे दोस्तों का बड़ा किरदार। एग्जैक्टली यार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई सब बैडमिंटन अंदर खेली जा रही है और फुटबॉल का मैच जो है वो यहाँ पे हो रहा है। फुटबॉल ग्राउंड है ये हमारी यूनिवर्सिटी का और ये आप देख सकते हो, और टीम्स जो हैं वो इंटर डिपार्टमेंटल हो रहा है। मुझे ये नहीं पता कौन कौन सा डिपार्टमेंट खेल रहा है क्योंकि इनकी शर्ट से पीछे लिखा हुआ नहीं है। जी यार, ये मुझे यहाँ पे सर है, आई थिंक मुझे यहाँ पे मिले हैं, तो ये कुछ कहना चाह रहे थे। मैंने कहा मोर देन वेलकम सर, प्लीज। मैं जैन के जो फॉलोअर्स हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जैन का कॉन्टेंट बहुत अच्छा है और मैं काफ़ी समय से जैन को जो है YouTube के ऊपर फॉलो कर रहा हूँ। उसके जितने भी व्लॉग्स आते हैं, उसका जितना भी कंटेंट होता है, दैट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हिम, सो आई वुड रियली अप्रिशिएट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू। थैंक यू, प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू, थैंक यू।